हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एस सी ओ आई की ऑनलाइन क्लास में मैं वंदना शर्मा कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में आपने सूरदास पढ़ा था, जिसकी की पुनरावृत्ति चल रही थी, और उसके बाद अब आज मैं आपको हिंदी गद्य से एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ममता। और इस ममता कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो पाठ पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी के जीवन से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी। तो जयशंकर प्रसाद जी का अगर संक्षिप्त जीवन परिचय देखें तो इसमें मुख्य बिंदु है, इनका जो जन्म है वो सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका काशी है। काशी में ही सुमनी साहू नाम का एक धनाढ्य वैश्य परिवार था, वहां इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद अगर इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो प्रमुख रचनाओं में इन्होंने काव्य के क्षेत्र में और गद्य के क्षेत्र में समान रूप से अधिकार प्राप्त किया है। तो काव्य में इनका प्रमुख जो ग्रंथ है वो कामायनी है, कामायनी महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, चित्राधार। इनकी जो चित्राधार रचना है ये इनकी प्रारंभिक रचना है और यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसके बाद इनके जो नाटक हैं, नाटकों में प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, कल्याणी, राज्यश्री, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि इनके प्रमुख नाटक हैं। उपन्यास में देखें तो इन्होंने इनके जो मुख्य हैं उपन्यास, वो तीन उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इनका जो इरावती उपन्यास है ये अपूर्ण है, ये उपन्यास पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद इनके कहानी संग्रह में है आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके बाद इनका जो निबंध है वो काव्य और कला नाम से है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्होंने जो कामायनी महाकाव्य लिखा था, इस महाकाव्य पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया था। प्रसाद जी को छायावाद का मुख्य प्रवर्तक भी मानते हैं और इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के ही उत्कृष्ट नाटककार एवं कहानीकार भी माने गए। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय अभी आपने पढ़ा, उनकी जो मुख्य कृतियां हैं उनको आपने पढ़ा। अब इसके बाद मैं आपको उनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो कहानी पढ़ाऊंगी। तो प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है ममता। तो ये कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है, यद्यपि ये कहानी अत्यंत छोटी है लेकिन फिर भी अत्यंत सशक्त कहानी मानी गई है। और इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है वो ममता है। तो कहानी का जो कथानक है वो ममता के ही व्यक्तित्व के चारों ओर घूमता है, उसी के व्यक्तित्व पर आधारित है। और लेखक ने यहाँ पर जो ममता थी बाल विधवा थी, तो उसके बाल विधवा की जीवन की करुण कथा का यहाँ पर चित्रण किया है। तो इसका जो पहला पैराग्राफ है वो इस तरह से दिया गया है।
श्री रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। फिर रोहतास में, रोहतास नाम का एक दुर्ग था, किला था, और उस किले के मुख्य द्वार के पास बना हुआ एक कक्ष था। प्रकोष्ठ माने कक्ष। तो उस किले के मुख्य द्वार के पास जो कक्ष बना हुआ था, उस कक्ष में ममता बैठी हुई थी, और उस दुर्ग के सामने सोन नामक नदी प्रवाहित हो रही थी। तो कक्ष में बैठी हुई ममता सामने बहती हुई सोन नदी के तीव्र और गहरे प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, लेकिन जो ममता थी वो बाल विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। जिस प्रकार से सोन नदी बड़ी ही तीव्र गति से, पूरी शक्ति से निरंतर आगे की ओर प्रवाहित हो रही थी, ठीक इसी प्रकार से ममता का जो यौवन था वो भी युवा भावनाओं से परिपूर्ण था। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो युवा जीवन होता है वो उत्साह का, उल्लास का, शक्ति का, गतिशीलता का प्रतीक होता है। लेकिन यहाँ युवा होते हुए भी ममता के जीवन में इस प्रकार का उत्साह, उल्लास, आनंद दिखाई नहीं दे रहा था। उसका कारण क्या था कि ममता बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी, और यही कारण है कि उसका जो मन में वेदना, उसके मन में अत्यंत दुख भरा हुआ था। वो अपने वैधव्य जीवन को देखकर अत्यंत दुख का अनुभव कर रही थी। मस्तक में आंधी, इसके साथ ही साथ उसके मन मस्तिष्क में विचारों की और भावनाओं की आंधियां चल रही थी। अर्थात वो अपने इस वैधव्य जीवन को लेकर विचारों में खोई हुई थी, और विभिन्न प्रकार की भावनाएं उसके मन में उत्पन्न हो रही थी। आंखों में पानी की बरसात हुई और उसकी आंखों से निरंतर आंसू की धाराएं प्रवाहित हो रही थी। वह सुख के कंटक शयन में बिखर थी। तो जो ममता थी वो रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी, और मंत्री की पुत्री होने के कारण उसके जीवन में सारे सुख उसे उपलब्ध थे। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, लेकिन फिर भी ये सारे सुख उसे उसी प्रकार से कष्ट दे रहे थे, दुख दे रहे थे, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कांटों की सेज पर सोने से दुख मिलता है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुलिता थी। जो ममता थी वो रोहतास किले के जो राजा थे उनके, उनकी मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। यही कारण था कि फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। कि वह मंत्री की पुत्री थी, इसीलिए उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव होना असंभव था। अर्थात उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, सारी सुख सुविधाएं उसे उपलब्ध थी। परंतु वह विधवा थी, लेकिन फिर भी वह उस सुख का अनुभव नहीं कर रही थी, क्योंकि वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तो यहाँ पर लेखक का क्या कहना है कि समाज में हिंदू विधवाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, क्योंकि जो हिंदू समाज में विधवा स्त्री होती है उसका कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं करता है, तथा लेखक का कहना है कि पति ही उसका एकमात्र आश्रय होता है, और पति की मृत्यु के बाद वह निराश्रय हो जाती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस स्त्री का सम्मान नहीं करता है, सभी उसकी उपेक्षा करते हैं, सभी उसका निरादर करते हैं, यहाँ तक कि उस स्त्री को समस्त सुख सुविधाओं से वंचित
कर दिया जाता है, तो तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो ऐसा उसका दुख से भरा हुआ जीवन था, तो ऐसे दुख से भरे हुए या उसके दुर्भाग्य का कोई अंत नहीं था। तो चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। तो जब ममता कक्ष में बैठी हुई थी और सोन नदी के प्रवाह को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और विचारों में खोई हुई थी, उसी समय उसके जो पिता थे चूड़ामणि ने चुपचाप उसके कक्ष में प्रवेश किया। तो सोन के प्रवाह में उसके कलकल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। तो ममता सोन नदी के गहरे और तीव्र प्रवाह को ध्यान से दे रही थी, उसका उसके प्रवाह में जो कलकल का स्वर उत्पन्न हो रहा था, उस स्वर में वह अपने जीवन को देख रही थी और इसी में वह खोई हुई थी। पिता का आना न जान सकी। तो कब उसके पिता ने उसके कक्ष में प्रवेश किया, अपने पिता के प्रवेश करते हुए वो समझ नहीं पाई, जान नहीं पाई, तो चूड़ामणि व्यथित हो उठी। इस प्रकार से लेखक का कहना है कि ममता को इस तरह से विचारों में खोया हुआ देखकर, भावनाओं में डूबा हुआ देखकर उसके जो पिता थे चूड़ामणि अत्यंत दुखी हो उठे, व्यथित माने दुखी हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे? तो उसने अपनी पुत्री ममता का बड़े ही स्नेह से पालन पोषण किया था और अब उसकी ऐसी स्थिति को देखकर वो सोच रहे थे कि वह उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या करे, क्या प्रयास करे, यह स्थिर न कर सकते थे। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लौट कर बाहर चले गए। तो जब ममता ने पिता की ओर ध्यान नहीं दिया तो उसके जो पिता थे वो वापस उस कक्ष से चले गए। ऐसा प्रायः होता था और ऐसा आज ही नहीं हुआ था, इसके पहले भी कभी भी उसके पिता उसके कक्ष में आते थे तो ममता इसी प्रकार से विचारों में खोई हुई रहती थी, तो ऐसा प्रायः हो जाता था। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। लेकिन आज जो उसके पिता मंत्री चूड़ामणि थे वो चिंता में डूबे हुए थे, उनके जो कदम थे चिंता के कारण सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर फिर ममता के पास आए। इस प्रकार से दिन का एक पहर बीत गया और एक पहर बीत जाने के पश्चात वो फिर से ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। तो जब ममता के पिता ने उसके कक्ष में प्रवेश किया तो उस समय उनके पीछे पीछे 10 सेवक चल रहे थे और वो सभी सेवक अपने हाथों में चांदी के बड़े बड़े थाल लिए हुए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूम कर देखा। तो जब ममता ने बहुत से मनुष्यों के कदमों की आहट सुनी तो उनके कदमों की आहट सुन करके ममता ने पीछे घूम कर देखा तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। तो उसके जो पिता थे मंत्री चूड़ामणि, उन्होंने सेवकों से उन सभी थालों को ममता के कक्ष में रखने का संकेत कर दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। इस प्रकार से जो सेवक थाल लेकर आए थे वो सभी लेकर चले गए। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ाना है और इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है तो इसमें इसका पहला पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ दिया गया है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई, यहाँ से लेकर के तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, इतना पैराग्राफ करना है। और इसमें जो रेखांकित अंश है
उस अंश में दिया गया है कि उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। तो इतने पंक्तियों का रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसके बाद इसके जो प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया है कि सबसे पहले पहला प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या फिर अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, पाठ और लेखक का नाम लिखना है या फिर गद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ममता कौन थी। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की क्या स्थिति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता के लिए कुछ अभाव होना क्यों असंभव था। तो ये क्वेश्चन करने हैं। वैसे तीन ही क्वेश्चन आते हैं, संदर्भ आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या आती है और एक क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर कई क्वेश्चन है तो अभ्यास के लिए सही है। तो इस तरह से आपको इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर करने हैं। तो इसके आज बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।